ऋषि भृगु की विद्या के आधार पर ग्रहों के चलन को पढ़ के जो तुम हमारा भविष्य बताते हो, उसी के आधार पे हमने मां काली को बंधक बनाया है। किंतु आज ऐसा प्रतीत हो रहा है कि हमारे कुछ शत्रु भी हैं जो हमारे लक्ष्य में बाधा बन सकते हैं। ऐसे में उचित क्या होगा तुग्र? मल्ला, तुमने मुझे वचन दिया है कि तुम अपने शासनकाल में मुझे सबसे शक्तिशाली व्यक्ति बनाओगे। मैं भूला नहीं हूं तुग्र, किंतु तुम्हें भी स्मरण रहे कि तुम्हें तुम्हारा स्थान तुम्हारे अभी के योगदान के अनुपात में ही प्राप्त होगा। को ढूंढते हुए गंगा का स्वागत होगा, अवश्य होगा। गंगा का स्वागत होगा, अवश्य होगा। किया था उन्हीं मंत्रों से हमने भी मां काली को नियंत्रित किया। इसमें अनुचित क्या है? और गंगा, सत्य कहूं तो हमारी यह इच्छा है कि तुम हमारी अर्धांगिनी बन रहो तो इस संसार का उद्धार निश्चित है। मुक्त कर दो पार्वती के काली स्वरूप को, अन्यथा तुम्हारा अंत निश्चित है।
अंत। माता मेरे पास है गंगा, मेरा अंत संभव नहीं। और यदि माता को मुक्त ही करना था तो मैं ये सब क्यों करता था? अब वो भी मुझे छोड़कर कर कभी नहीं जाएंगे। ये देखो, ये यंत्र देखो, और अब मैं माता को यहां पर लेकर आऊंगा और स्थापित करूंगा। मैं तुम्हें अंतिम चेतावनी दे रही हूं, मुक्त कर दो उसे। अन्यथा मैं अपना प्रचंड रूप धारण करूंगी और उसका अर्थ है प्रलय। सब कुछ नष्ट हो जाएगा। हो गया है? ये किसी अनर्थ का संकेत है। ये दोनों अपने स्वार्थ की पूर्ति हेतु समस्त संसार को विनाश की ओर ले जा रहे हैं। किंतु महादेव क्यों नहीं कुछ कर रहे हैं? ये स्थिति महादेव के कारण ही तो पुनः उत्पन्न हुई है। यदि वो गंगा को वो सब कहने से रोक लेते तो ये परिस्थिति उत्पन्न ही नहीं होती। माता पार्वती कैलाश छोड़ के जाती ही नहीं। ऐसे समय में महादेव कुछ कर क्यों नहीं रहे हैं? भवं भवानी सहितं नमामि, भवं भवानी सहितं।
ऋषि भृगु, आपको चिंतित प्रतीत हो रहे हैं। मुझे केवल एक चिंता है कि इससे पहले ये मुझे आज तक क्यों समझ नहीं आया, मैं क्यों पढ़ नहीं पाया जो इतना स्पष्ट था। आप कहना क्या चाहते हैं ऋषिवर? जिस शिष्य पर मैंने सबसे अधिक विश्वास किया उसी शिष्य ने मेरे साथ विश्वासघात कर दिया। विश्वासघात? ये आप क्या कह रहे हैं ऋषि भृगु? और कौन से शिष्य की बात कर रहे हैं आप? तुग्र। शक्ति और सत्ता के लोभ में आकर उन दुष्टों का साथ देना स्वीकार कर लिया जो अघोर पंथ को कलंकित करते हैं। अपने स्वार्थ हेतु भविष्य को जानने की विद्या का दुरुपयोग किया है उसने, अपने गुरु का घोर अपमान किया है। आप धन्य हैं महादेव, आपका दिव्य रूप धन्य है। समस्त संसार के कल्याण हेतु हुआ था। चलो गंगा, मेरे साथ चलो। अपने वास्तविक रूप में मैं तुम्हें अपनी जटाओं में पुनः धारण करना चाहता हूं, किंतु मैं अपनी बहन पार्वती को लिए बिना यहां से नहीं जाऊंगी। गंगा, पार्वती अपनी इच्छा से यहां आई है और वो अपनी इच्छा से ही लौटेंगी।